सलमान खान के पोस्टर में क्यों नहीं दिखाई दिए विलेन? क्यों टाइगर 3 को YRF के यूनिवर्स सीरीज हिस्सा बताया जा रहा है? इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसी ही डिटेल। सलमान खान की मूवी टाइगर पहला पोस्टर आया, जिसमें वो और कटरीना कैफ धांसू एक्शन पोज में दिखे। हाथ में हथियार लिए सलमान के इस पोस्टर ने फैंस का क्लाइमैक्स बढ़ा दिया है। हालांकि कुछ फैंस सवाल उठा रहे हैं कि इमरान हाशमी को जगह क्यों नहीं दी गई, क्योंकि सिर्फ सलमान और कटरीना को ही दिखाया गया। कुछ फैंस ने पठान फिल्म का वो पोस्टर भी दिखाना शुरू कर दिया, जिसमें शाहरुख खान और कटरीना कैफ के अलावा जॉन अब्राहम को जगह दी गई थी। कहा गया कि जिस तरह शाहरुख ने साथी एक्टर को सम्मान दिया, वैसा सलमान खान ने नहीं दिया। हालांकि किसी ने ये भी नहीं बताया कि एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है के पोस्टर भी जब सामने आए थे, तब उसमें भी सलमान खान और उनकी एक्टर्स को फोकस किया गया था। उस टाइम भी विलेन को नहीं दिखाया गया। ऐसे में सलमान पर सवाल उठाने वाले के फैक्ट पूरी तरह एक तरफा नजर आए। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 अब YRF यूनिवर्स का ऑफिशियली हिस्सा हो गई है। बताया जा रहा है कि जिस तरह पोस्टर में टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान का जिक्र किया गया, उससे ये क्लियर हो गया कि टाइगर 3 में इन तीनों ही फिल्मों को जोड़ा गया, यानी इनके बीच वो कनेक्शन दिखाया गया है जो सलमान को शाहरुख खान और ऋतिक रोशन से जोड़ रहा है। खास बात ये है कि पठान फिल्म YRF की स्पाई यूनिवर्स की मेगा हिट थी, इसलिए अब टाइगर 3 में पठान का नाम दिखाया जाना इस बात पर मुहर लगाता है। मेकर्स के रवैये से एकदम साफ है, वो सलमान को उतने ही बड़े कलेवर में दिखा रहे हैं जिस तरह शाहरुख खान को पेश किया गया था, और फिर उसके बाद पूरे हिंदुस्तान ने पठान को सुपरहिट होते देखा। टाइगर 3 यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म है। टाइगर 3 में सलमान खान जिस मिशन पर निकले हैं, वो टाइगर जिंदा है और एक था टाइगर से भी ज्यादा खतरनाक है, यानी इस बार सलमान के सामने बहुत बड़ी चुनौती सामने वाली है और इसमें वो आसानी से पार होने वाले हैं। ये मिशन भी कटरीना कैफ से ही जुड़ा है, जिसमें सलमान खान कटरीना कैफ की मदद करते हैं। गौर करने वाली बात ये है कि सलमान खान इस बड़े मिशन में बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं, हालांकि ये अलग बात है कि शाहरुख उनकी मदद करने पहुंचते हैं। दोस्तों, टाइगर 3 के धमाकेदार पोस्टर में क्या खास है और क्या किसी तरह की कमी दिखाई देती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।